नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साइकिल से पूरे देश भ्रमण करने निकले आसाम मालवी रविवार को पहुंची सिलवासा। बताया जा रहा है कि 1 नवंबर मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आसाम मालवीय साइकिल से पूरे देश का भ्रमण करने निकली है। यह साइकिल यात्रा 20,000 किलोमीटर तक करेगी। आसाम ने अभी तक 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके रविवार को सिलवासा पहुंची, जिसके बाद रविवार की शाम 4 बजे के करीब सिलवासा से महाराष्ट्र की तरफ रवाना हुई। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन की ओर से उन्हें पूरी सहायता और सुरक्षा मिल रही है। इस यात्रा का उद्देश्य हमारी ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करना है। आशा मालवी ने बताया कि मैं अकेली भारत के 28 राज्यों में साइकिल से यात्रा कर रही हूँ। ये साइकिल यात्रा सितम्बर माह में दिल्ली में जाकर समाप्त होगी। आशा मालवीय मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छोटी सी गांव नाटाराम की रहने वाली है। इस दौरान सिलवासा पहुंचने के बाद उन्होंने हमारे चैनल से क्या कहा, आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। मेरा नाम आशा मालवी है, मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव नाटाराम से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और पर्वतारोही हूँ। अब मैं संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हूँ। ये यात्रा मेरी 20,000 किलोमीटर की और मैंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस यात्रा को 1 नवंबर के दिन शुरू किया था और आज मैं सिलवासा में हूँ। साथ ही मेरी यात्रा का उद्देश्य है कि जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है उसका प्रचार प्रसार करना। साथ ही भारत देश में अगर महिला सुरक्षा को लेकर मैं बात करूं, तो मैंने बहुत बार सुना है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अकेले मैं भारत यात्रा करके सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में के 28 राज्यों में मैं यात्रा कर रही हूँ और हमारे भारत देश में महिलाएं हर जगह देश के किसी भी स्टेट में सुरक्षित है। साथ ही अगर महिला सशक्तिकरण को लेकर मैं बात करूँ तो महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाएं हर वो एक काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। साथ ही आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा ये मैसेज है कि हर छोटी छोटी समस्या के सामने सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं। जिंदगी में थोड़ी सी समस्या क्या हुई, मतलब घर छोड़ने की या मरने की बात हो जाती है, तो मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि समस्याएं सबकी जिंदगी में होती है, आप समस्या का सामना कीजिए और आगे बढ़िए। साथ ही मेरा नाम आशा मालवी है, मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से गाँव नाटाराम से हूँ और मैं एक मजदूर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये यात्रा भोपाल से शुरू हुई थी और मैंने गुजरात कंप्लीट कर लिया है। मैं सिलवासा में हूँ और यात्रा मेरी काफी अच्छी है। मुझे शासन प्रशासन हर तरह से कोऑपरेट कर रहा है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूँ तो मुझे हर जगह सुरक्षा मिल रही है। आज मैंने 1500 किलोमीटर के लगभग राइड कर लिया है और मेरी ये यात्रा 20,000 किलोमीटर की और दिल्ली में जाके खत्म होगी सितंबर में। मैं आज मन्नौर जा रही हूँ और कल मन्नौर से मुंबई जा रही हूँ। मुंबई के बाद मेरा पणजी वाला रूट है, तो दिल्ली का मेरा मुंबई वाला रूट क्लियर होने के बाद मैं गोवा जाऊंगी। मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और साथ ही पर्वतारोही हूँ। पर्वतारोहण में मैं 2 माउंटेन सबमिट कर चुकी हूँ। फर्स्ट माउंटेन तेंजिंग खान माउंटेन और सेकंड माउंटेन बीसीराई माउंटेन। बीसीराई माउंटेन 90 डिग्री का माउंटेन था, इसीलिए मैं नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। OMG बुक में मेरा रिकॉर्ड है, जो देश की सबसे बड़ी 4th बुक है।